रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स को देख लेते हैं कितना चढ़ा है चार्जिंग। तो अगर 58 चढ़ा है गाइस, 58 है। हे गाइस, सब्सक्राइब टू शान बॉक्सिंग ब्रदर्स एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स। तो गाइस, मैंने जैसे बोला अब 33 वॉट्स फास्ट चार्जिंग टेस्ट करेंगे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का फास्ट चार्जिंग टेस्ट करेंगे अब हम लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शान बॉक्सिंग ब्रदर्स। सो मैंने जैसे बोला आपको, अब मैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का चार्जिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। 33 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग है ना रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का, तो फास्ट चार्जिंग टेस्ट कर रहे हैं हम अब। तो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के क्रिएटर्स के बोलना है कि हाफ एन आवर में 50% चार्जिंग चलती है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। तो आज टेस्ट करते हैं कितने देर में चार्जिंग चलती है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा चार्जिंग टेस्ट का वीडियो। तो इधर हमारा फोन ऑन हो गया गाइस। तो गाइस, इधर हमारा 10 मिनट हो चुका है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को चार्जिंग पे रखे हुए है। तो देख लेते हैं हमारा कितने परसेंट चार्जिंग चढ़ा है फोन। 21% चढ़ा है गाइस, 21% चढ़ा है चार्जिंग रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। तो आधे घंटे में 50% चढ़ पाएगा। सो है गाइस, मैंने जैसे बोला हमारा टाइम हो गया 15 मिनट में कितनी चार्जिंग चढ़ी है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। तो चलो देख लेते हैं। सो गाइस, 33% चढ़ी है गाइस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। 33 वॉट्स फास्ट चार्जिंग है, तो सच में फास्ट चार्जिंग है गाइस। 33% का तो 50 मिनट्स में। तो गाइस यार, हम देख लेते हैं, अब हमारा 30 मिनट्स हो गया है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स चार्जिंग पे रखी है। तो देख लेते हैं कितने चार्जिंग चढ़ी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। 50% तो चढ़ना होगा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को। देख लेते हैं कितना चढ़ा है चार्जिंग। तो अगर 58 चढ़ा है गाइस, 58 है। उन्होंने बोला 50, यहाँ पर 58 चढ़ा है। तो स्विच ऑन कर लेते हैं हमारा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। थर्टी मिनट में 50% बोला था गाइस, 58 है। फोन स्विच ऑफ में था ना गाइस, इसीलिए 58 चढ़ा है। 30 मिनट्स में 58 चढ़ा है। तो गाइस इधर देख लेते हो, चार्जिंग टर्बो है, 58% चढ़ा हुआ है फोन में। तो गाइस इधर देख लेते हो, रेडमी नोट प्रो मैक्स 45 मिनट्स हो गया चार्जिंग पे रखे हुए। तो देख लेते हैं गाइस, तो इधर देख लेते, ऑन कर लेते हैं हमारे फोन को और देख लेते हैं कितनी चार्जिंग चढ़ी है रेडमी नोट। तो 71% चढ़ा है गाइस, 71% चढ़ा हुआ है रेडमी नोट 1 मिनट गाइस, 71% चढ़ा हुआ गाइस। और इधर एक आई आइकन में आपको अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखेगी गाइस, उस वीडियो को भी चेकआउट करें एक बार। तो गाइस अब हम चार्जिंग रखे हुए हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को। तो देख लेते हैं 100% चिड़ी है कि या नहीं नोट 9 प्रो मैक्स। तो गाइस इधर देख लेते, 85% चिड़ी है हमारे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को, 85% की चढ़ा है। तो देखते हैं 1 आवर 15 या 30 मिनट्स में चढ़ती है कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में 100% चार्जिंग। तो गाइस तब तक वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल में सेट कर लेना गाइस मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए फोन में। सो गाइस अब 1 आवर 10 मिनट्स हो गए हैं, तो देख लेते हैं कितनी चार्जिंग चढ़ी है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। लगता है कि 100% चढ़ा होगा या 95% चढ़ा होगा, तो देख लेते हैं गाइस। गाइस 93% ही चढ़ा है गाइस, मतलब हर एक फोन में यानी कि 90-100% थोड़ा लेट चढ़ता है। सो गाइस अब 1 आवर 15 मिनट्स हो गया गाइस चार्जिंग पे रखे हुए फोन को। तो देख लेते हैं कितना परसेंट चढ़ा होगा, 95 या 98 देख लेते हैं गाइस। गाइस 95% चढ़ा हुआ गाइस, 1 आवर 15 मिनट्स में 95% चढ़ा हुआ है गाइस। तो 100% चढ़े तक वीडियो को लाइक कर देना गाइस और सब्सक्राइब करना चार बॉक्स ब्रदर्स को।
सो गाइस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में 100% चढ़ गया है गाइस, 1 आवर 26 मिनट्स में चढ़ा है गाइस, सडन से रीसेट हो गया मेरे हाथ से। तो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स 1 आवर 26 मिनट्स में चढ़ता है गाइस 100%। तो गाइस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बेस्ट।